इनका एक चैनल है जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग इन्हें प्लीज सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत ही खतरनाक बंदा है। हर दिन हर दो दिन में एक वीडियो डालते हैं। इसे ऐसे ही सेकंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ एशिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सो मच ऑफ ट्रेडिशन, सो मच ऑफ कलर, सो मच ऑफ एवरीथिंग। गैस हम कहाँ में हैं? हम अभी तवांग आए हुए हैं। आई वॉज इन गुवाहाटी, इट वॉज एन एमरजेंसी कॉल। मैं इमरजेंसी में तवांग आ गया फॉर सम वर्क। आई मेट तुप्तेन यूसुरियर, उनका चैनल भी है, वेरी हार्ड वर्किंग गाय, प्लीज सब्सक्राइब टू हिम। एनीवेज अभी हम ओदन में, हम तवांग में कुछ काम से आए हुए थे एंड इट वॉज माई नॉट माई फर्स्ट टाइम बट माई सेकेंड टाइम इन तवांग। बट पहली बार मैं 15 साल पहले आया था। आई वॉज 7 years old, कुछ भी याद नहीं है। अभी बहुत समय बाद आया, काफ़ी कुछ बदल गया है, पहले का एक्चुअली याद भी नहीं है, सो इट्स वेरी न्यू फॉर मी। तो अभी यहाँ में तुप्तेन हमारा टूर गाइड बनेगा। सबसे पहले तो अभी हम लोग जस्ट पहुँचा, अभी कितना बज रहा है? अभी 2:30 हो चुका है। सो वील हैव आवर लंच, उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करेंगे बिकॉज हम गुवाहाटी से लेके यहाँ तक एक चड्डी में आए हैं। मैं तुम्हें हम गुवाहाटी से एक चड्डी में आए हैं, हमको चड्डी खरीदनी है। एक दिन के लिए गुवाहाटी गया था ना, अचानक से इधर आ गया, नो प्लान्स नो नथिंग, जस्ट हियर, हमको चड्डी चाहिए। जोक्स अपार्ट, अभी हम कुछ खाएंगे फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। अभी हम तवांग की सबसे फेमस रेस्टोरेंट मॉन वैली रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। सो ऐसे तो एक लोग बोल दिया, मीट माई ब्रदर्स बाय द वे, तुप्तेन उसको पहले मिला है, लोपसांग विनय, ये मेरा छोटा का दोस्त है। सो वी आर इन द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ तवांग राइट नाउ। अभी क्या इन लोग इतना बेस्ट है वो खाने के बाद पता चलेगा। सो इधर में हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग चट्टी शॉपिंग करने जाएंगे। हमारा लंच हो गया, मैं खाते हुए नहीं दिखाता इसलिए व्लॉग नहीं किया। सो अभी आई कैन सी द, ये फील द स्नो फ्लेक्स, शायद से बारिश, ओह सॉरी बारिश बोल रहे हैं, ईटानगर का दिमाग, शायद से स्नोफॉल हो सकता है क्योंकि हमको थोड़ा सा वो स्नो फ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। तवांग काफ़ी ज़्यादा ठंड है। सो एज वी सेड, अभी लंच करके हो गया, यहाँ से शॉपिंग करने को जाएंगे और कुछ कुछ एक आध काम है वो निपटाएंगे, फिर मैं आपको हमारा होटल दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार होटल है। ये कैमरा में वो आ रहा है क्या, स्नो फ्लेक्स आ रहा है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा। इन रियल स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल से पहले स्नो फ्लेक्स होते हैं, वो हो रहा है। काफ़ी रोमांटिक सा मौसम हो गया तवांग में, बट हम सिंगल है। हम मार्केट में आ चुके हैं, दिस इज ऑल मार्केट है ना जी, ऑल मार्केट, ये तवांग का ऑल मार्केट है। यहाँ में हम कुछ कुछ शॉपिंग करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ओल्ड जीरो के मार्केट में घूम के। अरे यार, ओल्ड तवांग, ओल्ड मार्केट, तवांग का ओल्ड मार्केट है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ में घूम के। हमने कुछ कुछ शॉपिंग की, ये सब लगा के मैं एकदम तवांग वासी लग रहा हूँ। और अभी मैं एक खंजर ढूंढ रहा हूँ, वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है मोनपालो का, वाइट कलर में मुझे चाहिए क्योंकि मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर खंजर वाइट में मिलेगा तो मैं लूँगा और कल उसे पहनूँगा। और अभी हम एक गिफ्ट शॉप में आए हुए हैं, अंदर जाके दिखाते हैं कुछ कुछ लोकल सामान, ट्रेडिशनल सामान। अंदर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये अच्छा है ना, इसको ले गए बैग टॉम पर लड़की लोग फ्लैट। अभी तवांग का सब लड़की फ्लैट हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, इस बार अरुणाचल प्रदेश में सर्दी थोड़ी लंबी चलने वाली है और अभी काफी ज्यादा ठंड है अभी भी, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो स्कैल्प है वो काफी ज्यादा ड्राई पड़ जा रहा है, विच लीड्स टू इचिनेस एंड डैंड्रफ। तो इसके लिए हमें यूज करना चाहिए मामा आर्ट का T3 शैम्पू एंड कंडीशनर। सो दिस शैम्पू एंड कंडीशनर हैज एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो फाइट करता है अगेंस्ट फंगस विच कॉजेस डैंड्रफ इन आवर स्कैल्प। तो इसी T3 कॉम्बो पैक के साथ आता है T3 हेयर ऑयल विच कंटेन्स T3 एंड जिंजर ऑयल जो आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, साथ ही साथ ही आपके बालों को स्मूथनेस देता है और इचिनेस से भी फ्री करता है। एंड द प्लस पॉइंट इज जिंजर ऑयल आपके बालों के ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। एंड याद रखना, मामा आर्ट के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स लाइक सिलिकॉन एंड
पैराबिन जो इसे 100% नेचुरल बनाता है। और पता है आप जब भी मामाअर्थ से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते होते हैं आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक कर देता है। By 2025 they are planning to plant 1 million trees. Also मामाअर्थ एक काफी प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है क्योंकि जितना प्लास्टिक के लोग यूज करते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक के लोग रिसाइकल भी करते हैं। मामाअर्थ के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स आपको बड़े आसानी से Amazon, नाइका या मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो अगर आप मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करते हो देन यूज माय कोड कारका 2022 इससे आपको सारे प्रोडक्ट्स पे 20% ऑफ मिलेगा। ऑल्सो ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं इन सभी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है तो आप लोग इसे वहां से ऑर्डर कर सकते हो। हेलो, तो मैं तवांग आया हुआ था एंड आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग कैफे। इस कैफे का नाम है यंकीज कैफे, बहुत ही बेहतरीन कैफे है। तवांग के लोग तो ऑलरेडी इस कैफे को जानते हैं, काफी ज्यादा फेमस है। बट टू ऑल द पीपल जो लोग एज अ टूरिस्ट तवांग आते हैं लाइक मी, आप लोग भी यहाँ में आना। मैंने पर्सनली यहाँ में बहुत कुछ ट्राई किया है, जैसे कि मैं आई हैड पिज़्ज़ास, आई हैड ग्रीन टी कॉफ़ी, इनफैक्ट फ्री में बहुत कुछ खा गया। इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज वर्थ इट, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। द ओनर्स आर रियली स्वीट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटैलिटी है। एंड मैं सभी को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए, ज़रूर से ट्राई करें एंड आई एम टेलिंग यू यू विल लव इट। सो वी आर डन विद आवर शॉपिंग। मैंने एक खंजर लिया जो पता नहीं मैं कल पहनूंगा या नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बट मैं इसे ईटानगर या अलग दिल्ली अली में पक्का से पहनूंगा कज बहुत ही खूबसूरत कंजर है। और भी कुछ कुछ छोटा मोटा सामान लिया है या मैं एफ्रिकेंसी कुछ कुछ आप लोग का मनपा ट्राइब का सामान है जिसे हम घर जाके घर को डेकोरेट करेंगे। तो अभी रखते हैं यहाँ में, वेदर अच्छा रहा तो ड्रोन उड़ाऊँगा, उसके बाद आई सी यू टुमारो। नेक्स्ट डे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, हम प्रोग्राम जाने के लिए बस रेडी होके निकल ही रहे थे कि एज यू कैन सी पूरा तवांग टाउन में बर्फ गिर रहा है, अभी पूरा बर्फ बर्फ है। और हमारी जो गाड़ी है वो बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी है। अभी आई डोंट नो इंजन ऑन होगा क्या, भी नहीं होगा, कैसे घुसेगा। हम अभी आगे मोनेस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे बट बहुत ज़्यादा स्नो स्लिप होने की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं और हम अपने रूम भी वापस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एक इन टायर स्लिप हो रहा है। तो हमने गाड़ी को ऐसे ही रूट के बीच में पार्क करके रख दिया। एंड इफ यू सी जो हम लोग का मिरर्स वगैरह भी है वो सब कुछ जम चुका है, आगे का फ्रंट मिरर भी पूरा जम। बहुत ही ज़्यादा आइस है, ऐसे वीडियोस में मूवीज़ में देख के ऐसा लगता है कि ठंड जगह में आइस वाले जगह में रहना बहुत ही मज़ा है, बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। इट्स नाइस बट मैं कहूँगा कि अगर साल भर रहना पड़ेगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। विजिट के लिए ठीक है बट देन अगेन ऐसा मैं लाइफ लॉन्ग रहना तो आई डोंट थिंक सो कि मैं रह पाऊँगा, बिकॉज एक दिन में पूरा हालत ख़राब हो गया, टायर्स पूरा स्लिप होते जा रहे हैं, हमारे पास अनलकीली चेन भी नहीं है टायर का। और अभी हम यहाँ में फंस चुके हैं, वी आर स्ट्रैंडेड एंड आई डोंट नो अभी कौन लेने आएगा, हम लोग पुलिस आएगा बोलेंगे। तो अभी हम तवांग मोनेस्ट्री में आए हुए हैं, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ एशिया, काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है। अभी घुस के काफ़ी देर से हम चल रहे हैं और आगे बहुत एक्चुअली आउट ऑफ ब्रेथ, अंदर जाके अच्छे से दिखाता हूँ हाउ द तवांग मोनेस्ट्री इज एंड दिस इज यस माई फर्स्ट टाइम जब मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ में फ्री में चाय दिया जाता है हर गेस्ट को जितने विजिटर्स होते हैं, ठंडा में गर्म गर्म चाय। एंड ऑल्सो दिस इज सेंट्रल स्टडीज। इसे ऐसे ही सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ एशिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सो मच ऑफ ट्रेडिशन, सो मच ऑफ कलर, सो मच ऑफ एवरीथिंग, एकदम हैप्पी हैप्पी।
इज द चोमिल खान। यहाँ पे काफी सारे दिए जलाए हुए हैं, फ्रेग्रेंस एक बहुत ही अच्छा आ रहा है, एज वेल एज अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था, अंदर आके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, टेम्परेचर काफी वार्म एंड वेरी गुड प्लेस। सो मैं फाइनली सोल खांडू यानी कि श्रीन खांडू को मिले गया तवांग पे, फर्स्ट टाइम मीट कर रहा हूँ एंड मैंने इसके चैनल में भी कहा, यहाँ भी कह रहा हूँ, मुझे इस बात का बहुत निराशा, खुशी है इस बात की कि हम मिले, बट इस बात का बहुत ज़्यादा निराशा है कि मैं इनसे नाटा हूँ। ये वीडियो में काफ़ी प्यारे म्यारे छोटे से दिखते हैं लेकिन इन रियल बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही लंबे हैं। सो इनका एक चैनल है जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग इन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत ही खतरनाक बंदा है, हर दिन हर दो दिन में एक वीडियो डालता है, सो यू कैन इमेजिन हाउ मच ही वर्क्स और बहुत ही कंसिस्टेंट है। सो इसके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे, मेरा कॉल भी आ रहा है। अभी मैं इनको भी वही सवाल पूछूंगा जो मैंने बाकियों को पूछा था, आप ये बताओ आप तवांग में एक हफ्ता में कितना बार नहाते हैं? हर दिन नहाते हैं। हम लोग गर्म पानी में जैसे भी हफ्ता में एक बार ही नहाएंगे। हम मोनेस्ट्री से अभी निकल रहे हैं, यहाँ में लोपसांग का एक वो है, किसी कजिन या भैया का वो है रेस्टोर है, वहाँ पे जाके हम कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट भी अभी तक किया नहीं है। सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग, पता नहीं मैं कल रुकूंगा नहीं रुकूंगा, पार्ट एपिसोड 2 बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, अभी ये व्लॉग आगे कंटिन्यू हो गया या नहीं होगा आई डोंट नो। फिलहाल भी हम मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं, सो दैट वाज इट, बहुत सारे लोगों को मिला तवांग पे, आई रियली हैड अ गुड टाइम, इट वॉज अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम एवरी वन, सभी को मिलकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड स्पेशल थैंक्स टू माई ब्रदर्स जिन्होंने मुझे असिस्ट किया थ्रू आउट द डे। अभी मैं अपने होटल वापस जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ एंड आई एम आउट ऑफ ब्रेथ। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं हमें खत्म, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरा लास्ट का प्लीज होना एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एज आई सेड अर्लियर यू गाइस आर अमेजिंग, पीस।